चित्रकूट जिला चिकित्सालय में इन दिनों डॉक्टरों की लापरवाही देखते ही बनती है। इसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। बताते चले कि इन दिनों भीषण गर्मी व लू के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित पीड़ित मरीजों का दिन भर अस्पताल में तांता लगा रहता है। वहीं वार्डों में जगह फुल होने के चलते अधिकतर मरीज जमीन पर बैठे नजर आते हैं। आपको बता दें कि लापरवाही की हद पार कर रहे ईश्वर के दूसरे रूप डॉक्टरों का आलम यह है कि घंटों बीत जाने के बाद भी वार्डों में मरीजों को देखने जाना मुनासिब नहीं समझते। वहीं दर्जनों मरीजों ने आरोप लगाया है कि सुबह से ही डॉक्टर देखने तक नहीं आया, घंटों बीत चुके हैं। कब से यहाँ? शाम से। कोई देखने नहीं आया? कहाँ से आई है? क्या नाम है आपका? क्या देखे? कुछ खाने पीने के लिए? कुछ नहीं बताया। समझ सकते? रास्ते में गिर गई है मोटरसाइकिल से, तो माइंड पे चोट आ गई है। तो पहले भरतपुर में दिखाया, दिखाने की बात कहें सही है, होश था तब, अब इसको होश नहीं आ रहा। रात में फिर एम्बुलेंस से लेके यहाँ जिला अस्पताल आए, अभी सुबह हम लोग आए। यहाँ क्या किया गया डॉक्टरों द्वारा? यहाँ बस बाटल भर चढ़ाया है और कुछ नहीं किया है। अभी गए थे आप? जी अभी गए तो पता चला कि वो छुट्टी पे है। 3 दिन से मरीज जहर गुलाब का शिकार हुआ था भर्ती है, तो कल सुबह 8 बजे से कोई भी डॉक्टर नहीं आया, और दिन में केवल 2 वाटर चढ़ती है और शाम सुबह इंजेक्शन दे दिया जाता है। इसके बाद कुछ नहीं ख्याल है कि इसको क्या खाना चाहिए, इसको मरीज को क्या सुझाव देना चाहिए, क्या करे, कोई भी नहीं। आज 11 बज रहा है, आज अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। मैं अभी गया CMS सर के पास, वहाँ थोड़ा मैं जब चिल्लाया शोर किया, तब वहाँ से तुरंत एक डॉक्टर साहब आए और जीभ देखे, आँख देखे और तुरंत देखे चले गए, बढ़िया है तुम्हारा स्वास्थ्य है, अगर मर जाएगा कुछ हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये लोग इनको क्या है, बस ये रिफर बना देंगे और डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे, मर गए थे हम पूरा शिकार करके। वार्डों के गहन निरीक्षण के बाद जब बुंदेलखंड न्यूज की टीम ने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक से जानकारी ली तो जवाब काफी चौंकाने वाले थे। CMS ने कहा कि कुछ डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, मैंने कई बार उनको चेतावनी दी पर मेरी नहीं सुन रहे। मैं लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता किसी से क्योंकि मैं बाहरी हूँ, मैं केवल DO लेटर DM साहब को दे सकता हूँ, यही मेरे बस में है। आप भी देखिए CMS ने और कुछ क्या कहा। जो है ये कुछ चिकित्सा अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, मैं कई बार उनको चेतावनी दे चुका हूँ, नहीं मानेंगे तो DO लेटर लिख दूंगा, उनका ट्रांसफर हो जाए, मैं इतना कर सकता हूँ बस। सर्जन डॉक्टर राजेश खरे, उन्होंने नाइट इमरजेंसी ड्यूटी की, तो छुट्टी पर है। एक सर्जन की माता की डेथ हो गई है इसलिए वो छुट्टी पर है, तेरे ही संस्कार उनका होना है। बाकी शेष इसीलिए मैंने डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई है कि ठीक से अपना कार्य करें, अगर कोई चिकित्सा अधिकारी अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकता है तो मैं DO लेटर लिख के ट्रांसफर करा सकता हूँ, यही मेरे बस में है। उच्च अधिकारी को सूचित कर, जो पेशेंट है वहाँ पे पड़े हुए हैं क्या समझिए व्यवस्था की जाएगी। अपने आप ही राउंड किया, अपने आप ही गया हूँ राउंड के, सभी मरीजों को देखा है। एक विशेष मरीज है उसकी मैं फाइल आया हूँ, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इतने भी केस ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है ना, तो डॉक्टर मोहन जो है आरबी लाल ने भर्ती किया, ही इज रिटर्न वेरी गुड है ना, इसको 6 महीने से हिस्ट्री है, तो इसका देखते हैं या तो इसका जो है लंबर पंक्चर करके उसका CSF एग्जामिन किया जाए या तो उसको रेफर किया जाए। आई थिंक दैट ही इज अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए जो भी मरीज पेशेंट, देखिए डॉक्टर साहब मैं तो एक्लेम्शिया का मरीज भर्ती था, आई हैव सीन द पेशेंट इज ऑल राइट नाउ, सर्जेरियन के पेशेंट को देख रहा हूँ, वैसे भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये तो हर डॉक्टर की ड्यूटी है ना, मैं सबका काम थोड़ी कर पाऊंगा, खासकर डॉक्टर ऋषि कुमार को काफी सुधरना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि और डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल है, कुछ लापरवाही जरूर कर रहे हैं। सवेरे आप राउंड करिए 8 से 9 बजे तक अच्छे से एक पेशेंट को देखिए, उसके बाद अपना OPD करिए। भाई कोई लापरवाही करेगा मैं एक बार समझाऊंगा, चेतावनी दूंगा, नेक्स्ट टाइम आई विल राइट अ DO लेटर, दैट इज व्हाट ऑल आई कैन डू, है ना। मैं लड़ाई झगड़ा तो करूंगा नहीं किसी से, मैं आपको समझा सकता हूँ, पत्र दे सकता हूँ, बाद में DO लेटर लिख दूंगा, दैट्स ऑल आई कैन डू।